अब नोटिफिकेशन की बात करें तो वो इसलिए किया गया क्योंकि लॉकडाउन में कंपनी ने कुछ लिमिटेशन लगाई हुई थी, और लिमिटेशन के कारण क्या हुआ कि कंपनी के पास पहले से कुछ पेंडिंग बैलेंस हो गए, और कंपनी ने ये प्लान किया कि हमें आगे बढ़ने के लिए, आपको पता होगा कि 2 अगस्त तक जितने भी लोगों के रिक्वेस्ट है सब रिलीज हुआ है, उसके बाद का कंपनी ने प्लान किया कि अभी अनलॉक होना शुरू हो रहा है तो थोड़ा होल्ड करके सभी लोगों का रिक्वेस्ट ले लेते हैं एक साथ में, जितना भी पेंडिंग रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, और कंपनी जो 6 महीने का जो पेंडिंग बैलेंस हुआ होगा वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके प्रोसेस कर देगी। तो इसीलिए कंपनी ने एक टाइमलाइन दिया कि 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का जितना भी रिक्वेस्ट जिसके भी अकाउंट में 1000 रुपये से ऊपर है वो सभी लोग बैंक विड्रॉल, DDC, बल्क PC इसीलिए दिया ताकि जो भी पेंडिंग है, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था, अनलिमिटेड था, दोनों वॉलेट को मर्ज कर दिया गया था। ये इसीलिए किया गया क्योंकि कंपनी सभी रिक्वेस्ट को अपने पास लेना चाह रही थी और सभी लोगों ने रिक्वेस्ट भी दिया, और ये कंडीशन भी था 7 सितंबर टू 13 सितंबर के बीच में 6 तारीख तक, 6 सितंबर तक जितनी भी अर्निंग हुई है 1000 रुपये के ऊपर वो सारे रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देने हैं। और 30 to 90 days का क्या कॉन्सेप्ट है, जो लोगों ने पिछले 3 महीने में ज्वाइनिंग करी है कंपनी में पहले पार्ट में उनका रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो नए ज्वाइनर्स हैं, नए लोग ज्वाइन किए हैं, उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में या कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहले उनका प्रोसेस होगा। सेकेंड में जो लोग 6 मंथ हो चुके हैं उनका होगा, और उसके बाद में जिन लोगों का रहेगा बैलेंस उनका प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में कोई कंप्लेन भी नहीं बनेगा, कंपनी के पास पेंडिंग भी नहीं रहेगा, और ये धीरे धीरे प्रोसेस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो बात हो गई जो पेंडिंग है या जो बचा हुआ अमाउंट था लोगों के वॉलेट में उसकी बात हो गई, अब यहाँ से हमें कंपनी को आगे लेकर के बढ़ना है, जो पिछले 3 वर्षों में हमने हासिल किया है उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर सिस्टम को लेकर के चलना जरूरी था। इसलिए कंपनी ने डिजिटल में 30 डेज की जो पेमेंट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया। पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, और पिछले 3 वर्षों में अगर 10 लाख लोगों का पैनल साइज हुआ है और हम एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख की टीम होती है उसका एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, 2 लाख की होती है उसका अलग होता है, 5 लाख का होता है अलग होता है, 10 लाख का होता है अलग होता है, 1 करोड़ का होता है। तो सर्वर से लेकर डेटाबेस से लेकर पॉलिसी से लेकर सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होती चली जाती। अगर मान लो आपके मोबाइल में रैम कम है और आपने उसमें बहुत ज़्यादा डेटा डाल दिया तो क्या होगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से जब आज के डेट में ऑक्सिंग के पास 10 लाख पैनल साइज है तो पे आउट जो प्रोसेस करने की बात अगर करें तो उसमें क्या होता है कि वीकली पेमेंट्स होने से रिक्वेस्ट आते हैं, और कई लोग अपने बैंक अकाउंट में पेटीएम अकाउंट नंबर, एयरटेल नंबर, लोन अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब डालते हैं बैंक अकाउंट, कई लोगों का नहीं होता। अगर 10,000 की बात करूं कि 10,000 लोगों का अगर पे आउट प्रोसेस होता है उसमें 500 लोगों का कम से कम रिजेक्शन में जाता है, और वो क्या होता है, हम लोग किस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, ई नेट फैसिलिटी को यूज़ करते हैं बल्क पेमेंट के लिए, चाहे बड़ी कंपनी हो, जो भी बड़ी कंपनी है सैलरी क्रेडिट करने के लिए कमीशन के लिए ई नेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करती है। ई नेट फैसिलिटी में क्या होता है कि एक साथ में लाखों करोड़ों लोगों का पे आउट किया जा सकता है, लेकिन डेटा जो होना चाहिए वो डेटा पूरा वेरीफाइड होना चाहिए, एक भी अगर गलत होगा तो पूरा फाइल रिजेक्ट होगा, बार बार रिजेक्ट होगा। 10 लाख लोगों का अगर साइज है डेटा का और वीकली रखेंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगा, रिजेक्शन की भी संख्या ज़्यादा होगी, और फास्ट पे आउट प्रोसेस करने के चक्कर में क्या होगा कि कई लोगों का पे आउट रिजेक्ट होकर के आएगा, सिस्टम में अप्रूवल दिखेगा, फिर कस्टमर केयर के लोड बढ़ेंगे, मार्केट का कंप्लेन बढ़ेगा, ये सब सारी चीज़ें ना हो इसलिए कंपनी ने इस सिस्टम को, रिक्वेस्ट कैसे करना है पे आउट का, 1 से 20 तारीख तक हर कोई रिक्वेस्ट दे सकता है, सभी के लिए ओपन है। 1 से 20 तारीख तक रिक्वेस्ट आएगा, 21 से 30 तारीख तक डेटा प्रोसेस और वेरिफिकेशन होगा, और 1 से 7 तक सभी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे, और अभी से जो है उसमें टाइमलाइन भी चलना शुरू हो जाएगा कि इस डेट तक आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। मैंने यही कहा और पहले भी कहा है कि ऑक्सी इंक जो है एक मिशन है, जुनून है,
और इसको हमें आगे लेकर के बढ़ना है। यहाँ पे लोग करियर बनाने के लिए आ रहे हैं, ये 2 महीने 4 महीने का स्कीम नहीं है।